हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। आज हम लोग जो है वज्र गुणन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो इससे पहले हमने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से भी वीडियो बना रखी है, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका से हम लोग वज्र गुणन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो समीकरण दिया गया है 2x + y = 5 और दूसरा समीकरण है 3x + 2y = 8। तो पहले इस समीकरण को हमें 0 के बराबर कर लेना है। तो 0 के बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको इधर लाना होगा, इस संख्या को इधर लाना होगा। तो ये पहला इक्वेशन है 2x + y बराबर के, इधर ये प्लस में 5 है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। समीकरण हमारा ये 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको इसी प्रकार कर लेंगे, 3x + 2y बराबर के, इधर ये प्लस में 8 है बराबर के इधर आएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा, इक्वल टू ये सब इक्वल टू इधर 0 हो गया। ये हमारा समीकरण चौथा हो गया। तो इस समीकरण में हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2 भी है। तो a1 b1 c1 इसमें कैसे है और कैसे पता करेंगे कि कौन a1 है, कौन b1 है और कौन c1 है। देखिए, ऊपर वाला जो पहला समीकरण हमारा, जो ये वाला समीकरण है, इसी यही लाइन से हमारा क्या हो जाएगा, तो ये a1 हो जाएगा, x के गुणांक में जो है ये a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा, b के जो y के गुणांक में है वो हमारा b1 हो गया, और जो ये हमारा संख्या हो गया ये c1 हो गया। फिर उसी प्रकार a2 b2 c2। तो सबसे पहले हमें लिख लेना है, यहाँ पे लिख लेंगे तो हमें इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही मतलब आसान होगा, क्योंकि हमें गलत भी नहीं होगा। तो हमारा a1 इस प्रकार से आप लिख के बनाएंगे, एग्जाम में तो अच्छे नंबर भी मिलेंगे। तो a1 हमारा a1 x का जो गुना में है वो a1 हो जाएगा, तो x के गुना में 2 है तो 2 हमारा हो गया, a1 कोमा दे देंगे। फिर इसी लाइन में b1, तो b1 हमारा जो y के गुणांक में, तो y के गुणांक में यहाँ पे y के गुणांक में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे c1, तो c1 हमारा क्या है, 5, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक। फिर उसी प्रकार a2 हमारा क्या है, जो x के गुना में है तो x के गुना में 3 है तो a2 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार b2 y के गुना में है तो b2 हमारा हो जाएगा 2। फिर उसी प्रकार -8 हमारा c2 हो जाएगा, c2 क्या हो जाएगा तो -8 हो जाएगा। इतना कर लेने के बाद, इतना हमें वज्र गुणन विधि में कर लेने के बाद, वज्र गुणन विधि का एक फॉर्मूला है वज्र गुणन, यानी तिरछा गुना करके ही वज्र गुणन विधि से इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो वज्र गुणन विधि का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को अपने माइंड में आपको रखना है, बस उसी फॉर्मूले से हम लोग वज्र गुणन विधि से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग उस फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है, x में x = b1 c2 - b2 c1, फिर इक्वल टू y वाले में क्या हो जाएगा तो c1 a2 - c2 a1। फिर इस प्रकार एक बचा 1 a1 b2 - a2 b1। बस इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे और वज्र गुणन विधि से हमारा एक समीकरण जो है बनकर तैयार हो जाएगा, और उससे x y का मान इससे निकलकर चला आएगा। तो बस इसी फॉर्मूले पे आप x और y का जो b1 b2 c2 का वैल्यू है वो रखिए, आपका एकदम इक्वेशन तैयार हो जाएगा और x y का वैल्यू भी निकल के चला आएगा। देखिए, x वाले में, पहले वाले में क्या है, x बटे b1 into c1, यानी b1 × c2 है, तो b1 × c2। देखिए, इसी ये लिखने का फायदा क्या है कि आपको यहाँ पे गलती नहीं होगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन किधर b2 है किधर c2 है, ठीक ना। b1 c2, देखिए b1 कहाँ, यहाँ पे 1 है तो 1 गुने c2 है तो c2, देखिए c2 यहाँ पे -8, यहाँ पे हम -8 लिख लेंगे, माइनस बीच में लगा हुआ है फॉर्मूला में तो माइनस लगा देंगे। फिर क्या है b2, तो b2 देखेंगे कहाँ पे, b2 यहाँ पे है 2, तो 2 हो जाएगा b2 क्या। उसके बाद क्या है c1 यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे -5 हम c1 कर देंगे, हमारा x वाला का टर्म का क्लियर हो गया। अब आएंगे y वाले में, तो y बटे क्या है c1 × a2, तो c1 देखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे c1 -5 है तो -5 यहाँ पे c1 हो गया। अब उसके बाद फिर क्या है a2 यहाँ पे कितना है तो 2 है, यहाँ पे 2 गुना में है, माइनस यहाँ पे फिर लगाएंगे माइनस है, c2 देखेंगे कहाँ पे -8। उसके बाद a1 क्या है 2 है तो 2, चलिए y का भी हमारा काम हो गया। अब बचा 1 का, लास्ट में 1 बटे a1 × b2, a1 2 है और b2 2 है तो 2 × 2 क्या, और उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर a2 × b1 a2 3 है
और बी वन क्या है, बी वन वन है तो गुना में यहाँ पे वन दे देंगे। तो इसी प्रकार हमें इसी फॉर्मूले पे इस नंबर को लिख लेना है और इसके बाद इसको हमें सॉल्व कर देना है, इससे हमारा एक्स और वाई के वैल्यू निकल कर चला आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स बटे एक में माइनस आठ से गुना करेंगे तो माइनस आठ ही होगा, आठ में एक से करेंगे तो आठ, और माइनस से तो माइनस लगेगा, माइनस है यहाँ पे, और दो गुने माइनस पाँच है तो माइनस माइनस मिलकर सबसे पहले तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, पाँच दूना दस। फिर अब वाई वैल्यू को सॉल्व कीजिए, वाई बटे पाँच दूना दस और माइनस लगा हुआ है तो माइनस, फिर माइनस में माइनस से गुना होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और आठ दूना सोलह। फिर बराबर है तो बराबर एक बटे दो दूना चार माइनस तीन एकम तीन। इसको सॉल्व करने के बाद फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स बटे यहाँ पे है माइनस आठ प्लस दस, यानी दस में से आठ घट जाएगा क्योंकि दस प्लस में है आठ माइनस में है, दस में से आठ घटे तो कितना बचेगा, दो बचेगा। वाई बटे सोलह में से यहाँ पे दस जाएगा तो कितना बचेगा, छः बचेगा। फिर एक बटे एक, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे दो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए टू है और ए टू का वैल्यू क्या है, थ्री है तो यहाँ पे तीन हो जाएगा, तो पाँच तिया यहाँ पे पंद्रह हो जाएगा, तो सोलह में से पंद्रह जाएगा तो यहाँ पे एक बचेगा। वो लिखने में यहाँ पे मिस्टेक हो गया क्योंकि दोनों ए वन ए टू है तो गलत से लिखा गया, तो इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद फिर क्या करेंगे हम, अब एक बार इस इक्वेशन को इसके साथ हम कंपेरिजन करेंगे, ठीक ना। तो एक्स बटे टू इक्वल टू वन बटे वन, एक बार कंपेरिजन करेंगे वन बटे वन, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा, एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स, दो में एक्स से करेंगे तो दो, यानी हमारा एक्स का वैल्यू कितना आ गया, तो दो आ गया। फिर एक बार वाई बटे वन इक्वल टू वन बटे वन से कंपेरिजन करेंगे, दोनों को बारी बारी से कंपेरिजन कर लेंगे, तो वाई में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो वाई में जब वन से गुना करेंगे तो वाई, और एक में एक से करेंगे तो एक, यानी हमारा एक्स का वैल्यू आ गया दो और एक वाई का वैल्यू आ गया वन। मतलब इसी प्रकार से हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेंगे आराम से। देखिए इस तरह से दिया बनाने के लिए क्यों कहेगा, क्योंकि एग्जाम में जो है वज्रगुणन विधि से भी बोला जा सकता है आपको सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन को समीकरण को बोला जा सकता है कि वज्रगुणन विधि से समीकरण को सॉल्व कीजिए, विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए, तो कोई भी विधि से दे दे, बस आपको वीडियो को देख करके अच्छे से समझ लेना है कैसे बनेगा वज्रगुणन विधि से। तो इसी प्रकार से वज्रगुणन विधि से बनेगा और इस फॉर्मूले को आपको अपने माइंड में रखना है, इस फॉर्मूले को अपने माइंड में रखिए और बस आपका वज्रगुणन विधि से कोई भी समीकरण हल हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।